है मोदी यूनिवर्सिटी, नाम देख सकते हो, ये गेट है यहाँ का। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। माय नेम इज संदीप दहल और आप देख रहे हैं बेफिक्रा ट्रेवल। बेफिक्रा ट्रेवल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस व्लॉग में मैं आपको विजिट करवाने वाला हूँ अपना पूरा लक्ष्मणगढ़। अभी मैं हूँ लक्ष्मणगढ़ हाईवे पे, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है जयपुर बीकानेर हाईवे। ये रास्ता चूरू बीकानेर की साइड जाता है और इधर ये सीकर जयपुर की तरफ जाता है। और ये है सालासर हाईवे, जो आप बोर्ड पे अभी नाम के लिए दिखाई दे रहा नहीं दे रहा पता नहीं, लेकिन ये सालासर हाईवे है। और इस साइड में है पूरा लक्ष्मणगढ़, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये लक्ष्मणगढ़ फोर्ट है। तो आज मैं आपको पूरा लक्ष्मणगढ़ विजिट कराऊंगा। यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या क्या देखने लायक चीजें हैं, तो वो पूरा एक्सप्लोर करेंगे पूरा लक्ष्मणगढ़ को। तो अभी चलते हैं अपनी बाइक पे और अपनी राइड वो करते हैं, ऐसे स्टार्ट मिलते हैं अब सीधा अपनी बाइक पे। मैं हूँ लक्ष्मणगढ़ मोदी यूनिवर्सिटी के पास। सबसे पहले मैं आपको मोदी यूनिवर्सिटी दिखाता हूँ, फिर चलेंगे हम लक्ष्मणगढ़ मार्केट में। तो मार्केट में क्या क्या चीजें हैं वो सब भी दिखाऊंगा। ये है मोदी यूनिवर्सिटी, नाम देख सकते हो, ये गेट है यहाँ का। मेरे को राजस्थान की मोदी यूनिवर्सिटी यहाँ की बहुत फेमस है। यहाँ पे विदेशों से भी लड़कियाँ पढ़ने आती हैं, बेसिकली ये गर्ल्स कॉलेज ही है। तो अभी यहाँ से पहले पेट्रोल भराते हैं, फिर चलते हैं मार्केट में। वो पीछे है लक्ष्मणगढ़ फोर्ट और ये है लक्ष्मणगढ़ का बस डिपो। तो अभी अंदर चलते हैं, लक्ष्मणगढ़ का बस डिपो दिखाता हूँ पहले। यहाँ आसपास के जितने भी बस डिपो उनमें सबसे क्लीन बस डिपो यही है, क्योंकि अभी नया ही बना है, पूरा खुला खुला है। यहाँ पे गंदगी भी बिल्कुल नहीं है, पूरी साफ सफाई रखते हैं। ये छोटा सा बस डिपो है लेकिन क्लीन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है। चलो यहीं पे इसका एंड होता है बस डिपो का, अब चलते हैं अंदर। स्टडी कॉलेज है श्री भगवान दास स्टडी महाविद्यालय, क्योंकि सबसे पुराना कॉलेज है यहाँ का। तो आज आपको सारी चीज़ें वैसे बाइक पे विजिट कराऊंगा, अंदर जा जाके कराऊंगा, तो काफ़ी लंबा वीडियो बनेगा। आप बेसिकली इसमें आपको यहाँ पे मैं कौन कौन सी चीज़ें हैं तो वो सब दिखा दूँगा आपको। टॉप 10 प्लस टू विजिट इन लक्ष्मणगढ़ अंग्रेजी देश की दुकान, लार टपक रही है देखते हैं। और ये है फतेहपुर बस स्टैंड, यहाँ से सीकर फतेहपुर आसपास की सभी जगह बसें जाती हैं यहाँ से। और अब एक गली दिखाता हूँ जिसमें सारे फैंसी स्टोर हैं, इसमें ऑलमोस्ट का सामान है। इस पूरी गली में ऑलमोस्ट सारा सामान लेडीज़ों का आप देखो, हर साइड में लूगड़ा फैंसी स्टोर। गली का नाम ही फैंसी स्टोर वाली गली हुई है। सबसे बिजी गली है इस मार्केट की और सबसे ज़्यादा रश भी इसी गली में होता है। और ऑलमोस्ट सामान भी सारा लेडीज़ डिपार्टमेंट का ही है इधर। और इस पूरी गली के अंदर टेलर की दुकान है, देख लो, टेलर ही टेलर। और आगे मार्केट धीरे धीरे जैसे जैसे आगे की साइड जाएंगे तो मार्केट ख़त्म होता जाएगा, फिर ऐसे घर स्टार्ट हो जाएंगे। इधर पुरानी पुरानी कुछ हवेलियाँ भी हैं, इधर पुरानी पुरानी हवेलियाँ सारी, मार्केट इस साइड यहीं पे ख़त्म होता है। और अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ का घंटाघर। ये दिख रहा होगा आपको कैमरे में, ये घंटाघर यहाँ का। और ये है घंटाघर, आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना है, 1800 कुछ में बना था, डेट पूरा सन तो याद नहीं है क्लियरली, लेकिन है उसी टाइम का। और ये यहाँ की थोड़ी छोटी सी सब्जी मंडी है। यहाँ पे है गणेश चाय भंडार, जो कि यहाँ काफ़ी फेमस है। यहाँ पे भाई दिन में कम से कम लाख 2-4 लाख का गल्ला उठता है अकेले एक दुकान का। जो सर्व सिद्धि विनायक गणेश जी का मंदिर, काफ़ी पुराना मंदिर है ये, देख लो पुरानी हवेली का ही इसी में बनाया हुआ है शायद, इसी टाइप का है। अब चलते हैं ऊपर की साइड मंदिर में। ये मंदिर काफ़ी हाइट पे है, ये मंदिर लगभग जब लक्ष्मणगढ़ नगर बसाया गया था उस टाइम का ये मंदिर है, तो काफ़ी पुराना मंदिर है गणेश जी का। और इस मंदिर काफ़ी हाइट पर है, तो इसके आप दरवाजे के बाहर देखो दो चबूतरे से बने हुए, यहाँ पर कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग की हुई है। मंदिर के अंदर इतने नहीं है लेकिन बाहर की साइड में काफ़ी पेंटिंग है। और इस साइड ये है लक्ष्मणगढ़ का पूरा मार्केट, फतेहपुर स्टैंड है इस साइड में। और इसकी पेंटिंग देखो आप कितनी ब्यूटीफुल है, हर तरफ छज्जे पे नीचे और दरवाजे पे चारों तरफ डेकोर किया हुआ है, ऐसे काफ़ी सुंदर बना रखा है।
अब चलते हैं मंदिर के अंदर। अभी बजे दोपहर के दो, तो मंदिर तो अभी है बंद, क्योंकि ये दिन में 1 बजे से 4 बजे तक ये मंदिर बंद रहता है। तो आप अंदर से व्यू देख लीजिए पहले, सामने जो पर्दा लग रहा है वही पे गणेश जी का मंदिर। ये है लक्ष्मण का फोर्ट, जहाँ पे भी तिरंगा लहरा रहा है ऊपर, छोटा सा राउंड मार के आते हैं उस साइड भी। ये है लक्ष्मणगढ़ फोर्ट, जहाँ कबूतर ही कबूतर बैठे हैं, और ये है पूरे लक्ष्मणगढ़ का व्यू इधर। ये मस्जिद है सामने, यहाँ से देखो ये घंटाघर दिखाई देता है, और पीछे लास्ट में मोदी यूनिवर्सिटी दिखाई देती है उधर। फिर धीरे धीरे गांव आ जाते हैं, डाकनियों का मंदिर, इसका भी वीडियो आपने देखा होगा। और यहाँ एक ये हवेली है, इस पेड़ के पीछे चार चौक हवेली। अभी देखते हैं, ओपन है तो इसके अंदर भी जाएंगे। चलते हैं ऐसे वापस नीचे। ओ स्लोप देख रहे कितनी ज्यादा है। अरे साइड होगा, अब मैं दिखाता हूँ आपको लक्ष्मणगढ़ की चार चौक हवेली, जो कि पूरे लक्ष्मणगढ़ की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी हवेली है। ये हवेली लगभग जब लक्ष्मणगढ़ का गढ़ बना था लगभग 250 साल पहले, तो उसी के तुरंत बाद इस हवेली का निर्माण किया गया था। ये हवेली आप फ्रंट से देख सकते हो कितनी बड़ी है, ये सेम इसमें चार चौक हैं ऐसे, और ये इसमें काफ़ी बड़ी हवेली है। इसमें चार चौक होने की वजह से इसका नाम भी इसी वजह से पड़ा था। इसमें सेम पोर्शन है चार चौक के, एक इस साइड में, एक वो उधर वो लड़की आ रही है उस साइड में, दो पीछे अंदर की साइड है। तो अब अंदर चलते हैं। ये इस हवेली का फर्स्ट चौक है, जो कि काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर कोर्टयार्ड काफ़ी बड़ा है, और ये 2 मंजिला है, तो ऊपर भी आप मकान काफ़ी है, नीचे भी है। नीचे ये डिज़ाइने देखो आप, ये जो पिलर देख रहे हैं पूरे पत्थरों के बने हुए हैं, उनमें काफ़ी पेंटिंग्स की हुई हैं, और 2 मंजिला होने के कारण हाइट भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। और आप जो बीच में बरामदा सा देख रहे हैं, यहाँ पे पहले सेठ लोग बैठते थे, यहाँ पे मुनि वगैरह, यहाँ पे हिसाब किताब करने के लिए वो सिस्टम होता था। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल है, और लक्ष्मणगढ़ की एकमात्र हवेली है जो इतनी बड़ी है और काफ़ी आकर्षक है। लेकिन अभी तो इसके अंदर फैमिली रहती है, तो ये टूरिस्ट लोगों के लिए अलाउ नहीं होता यहाँ पे विजिट करना। और ये चारों चौक इसके एक जैसे हैं, और ये सामने कमरा ये बैठक हुआ करती थी पहले, कितना बड़ा सा गुंबद है इसमें। ये सारे मकान ढोले वाले हैं इसके अंदर, ये दोनों साइड में रूम है जो आने जाने वाले लोगों के लिए। और दरवाज़ा देखो कितना बड़ा है, ये लोहे का और रोहिड़े की लकड़ी का बना हुआ है। सामने थोड़ा गार्डन एरिया है, जब कोई शादी वगैरह होती है तो यहाँ पे वो प्रोग्राम वगैरह होते हैं, तो उसके लिए है ये सब। और हवेली काफ़ी बड़ी है, जो कि आसपास के एरिया में ऐसी हवेली कहीं पे भी नहीं है पूरे लक्ष्मणगढ़ में। और बाहर से देखो कितनी इसमें झरोके बने हैं छोटे 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 छोटे, जो काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं। और ये पेंटिंग देखो आप नज़दीक से, ऊँट घोड़े इनकी हैं, और छोटे छोटे इनके अंदर जंगले लगे हुए हैं जो भी वो एयर वेंटिलेशन के लिए काम आते थे। तो ये थी, अब करते हैं यहाँ पे थोड़ी पेट पूजा, और यहाँ पे तले जा रहे हैं भजिया गर्मा गर्म, देख सकते हैं आप। तो हम खाएंगे यहाँ पे कचौड़ी और फिर चलेंगे, और आगे कुछ दिखाएंगे लक्ष्मणगढ़ में और क्या क्या है। तो पहले थोड़ी पेट पूजा करते हैं, फिर चलते हैं ऐसे आगे। यहाँ जस्ट सामने आपको जो एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये है डाकनियों का मंदिर। बेसिकली ये मुरली मनोहर का मंदिर है, लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा अपभ्रंश नाम इसका डाकनियों का मंदिर दे दिया गया। इसके चारों तरफ ये पेंटिंग है, और काफ़ी खूबसूरत मंदिर है मुरली मनोहर का। और यहाँ पे ये बस स्टैंड है, तो सालासर से सुजानगढ़ बस स्टैंड। और ये मंदिर लगभग 225 साल पुराना है, लक्ष्मणगढ़ फोर्ट के टाइम ये बना था। अभी मैं हूँ लक्ष्मणगढ़ मार्केट से थोड़ा सा आउटसाइड ऐसी गली में, जहाँ पे लगभग पूरी गली के अंदर काफ़ी पुरानी पुरानी हवेलियाँ हैं, जो कि अपनी एक अलग पहचान रखती हैं। ये हवेलियाँ लगभग लक्ष्मणगढ़ के अंदर 200-250 हवेलियाँ अभी भी वर्तमान समय में मौजूद हैं, और काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। लेकिन पर्यटकों के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सभी में फैमिली रहती हैं। और लक्ष्मणगढ़ में यहाँ पे देखने लायक और भी बहुत सी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, जैसे कुएँ हो गए छोटी, एक दो बावड़ी भी हैं छोटी, और ये कुएँ भी 4-5 हैं जिसमें अलग अलग छतरियाँ बनी हुई हैं, बहुत सी छतरियाँ भी हैं यहाँ पर। और अब आपको एक और ऐसी गली में लेके जाता हूँ, जहाँ पर बहुत सी ब्यूटीफुल सी हवेली आपको नज़र आएगी सामने देखने के लिए। इन हर गली के अंदर आपको कोई ना कोई हवेली यहाँ पे देखने को मिल जाएगी आपको। तो आप जस्ट सामने देखो आप, कितनी ब्यूटीफुल सी हवेली है,
ये देखो आप कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं भाई, पेंटिंग्स देखो आप इनके। और ये हवेली देख लो, ये देख लो, एक खिड़की देखो इनकी, बिल्कुल छोटी छोटी खिड़कियां हैं, काफ़ी पुरानी है पेंटिंग्स, अब जो लगभग 150 साल पुरानी है उनमें तो पेंटिंग है ही नहीं, लगभग जो 150 साल से ऊपर हैं उनमें ये पेंटिंग वगैरह सब में। तो अभी लक्ष्मीगढ़ का पूरा मार्केट मैं क्रॉस कर चुका हूँ और आ गए हूँ रेलवे स्टेशन के पास। तो अभी दिखाते हैं आपको लक्ष्मीगढ़ का रेलवे स्टेशन, ये जस्ट सामने है लक्ष्मीगढ़ का रेलवे स्टेशन। और ये पूरा एरिया देख रहे हो, ओपन स्पेस है, ये यहाँ पे पार्किंग एरिया है यहाँ का, जो कि काफ़ी बड़ा बना दिया गया है, पहले छोटा सा हुआ करता था। और ये जो आप लक्ष्मीगढ़, ये रेलवे स्टेशन का नाम लिखा हुआ है लक्ष्मीगढ़, यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है ये बिल्डिंग भी पुरानी है, अब रिनोवेट करके यहाँ पे फर्श वगैरह ये सब कुछ चेंज कर दिया, लेकिन बिल्डिंग ये पुरानी वाली है। और इसके आसपास में जो कमरे बनाए हुए हैं वो अभी नए बनाए हुए हैं कुछ ही साल पहले। और यहाँ पे ये टिकट काउंटर है, और आप क्लीन देखो कितना ज़्यादा है, पूरा क्लीन है। और यहाँ पे भीड़ भाड़ अभी तो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ट्रेन बहुत कम चलती है, दो तीन चलती हैं साइड पर डे, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन वाला काम चल रहा है। आप स्टेशन देख लो कितना बड़ा है, हर तरफ ये नीम के पेड़ पौधे लगा रखे हैं, दोनों साइड में स्टेशन बना रखे हैं, टिन शेड कितना बड़ा है लक्ष्मणगढ़ सीकर। तो स्टेशन तो काफ़ी अच्छा भी है और पूरा क्लीन भी कर रखा है। अब चलते हैं वापस यहाँ से बाहर की साइड, इधर ये टिकट काउंटर वगैरह है, अभी तो कोई नहीं है यहाँ पे क्योंकि ट्रेन भी नहीं आने वाली है, दो चार लोग बैठे हैं ऐसे ही। तो कैसा लगा आपको रेलवे? तो आई होप दोस्तों आपको ये लक्ष्मीगढ़ वाला व्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट मार्केट के अंदर जो भी चीज़ें थी वो ऑलमोस्ट आपको दिखाई हैं, कुछ छूट भी गई हैं क्योंकि सब कुछ दिखाता हो तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए व्लॉग में नए लोकेशन के साथ, तब तक के लिए बेफिक्र ट्रैवल देखते रहिए, बाय बाय।